ओके हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द खबर हाउस। दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे महिला वर्ल्ड T20 मैच से। वो साल में भारत तीसरी बार सेमीफाइनल में हारा। 23 रन बनाने में भारत टीम के 8 विकेट गिर गए। भारतीय टीम महिला वर्ल्ड T20 सेमीफाइनल में इंग्लैंड से 8 विकेट से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। टॉस जीतकर पहले इंडियन टीम ने बल्लेबाजी करने का सोचा। 19.3 ओवर में 112 रन ही बना सके। भारत के एक समय 2 विकेट पर 89 रन थे दोस्तों, लेकिन अगले 23 रन बनाने में इंडियन टीम के 8 विकेट गिर गए। इंडियन टीम की तरफ से स्मृति बंधाना ने सबसे ज़्यादा 34 रन बनाए, जबकि इंग्लैंड ने जवाब में 17.1 ओवर में 2 विकेट खोकर यह टारगेट पूरा कर लिया। जॉन्स ने नाबाद 53 रन और नताली ने नाबाद 52 रन बनाए। एमी जॉन्स को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय टीम 9 साल में तीसरी बार इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में हारी है। इससे पहले उसे 2009 और 2010 में भी सेमीफाइनल का हार का सामना करना पड़ा था। 2009 में आखिरी बार वर्ल्ड T20 जीतने वाली इंग्लैंड ने चौथी बार फाइनल में प्रवेश किया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम 3 बार चैंपियन रह चुकी है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच फाइनल मैच 25 नवंबर को सुबह 5:30 बजे खेला जाएगा। इस मैच की सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बात रही मिताली राज को न खिलाना। भारतीय टीम मैनेजमेंट का इस मैच में अनुभवी बल्लेबाज मिताली राज को प्लेइंग 11 से बाहर रखना बहुत भारी पड़ गया। मिताली घुटने की चोट से उभर चुकी थी, फिर भी नहीं उन्हें इस मैच में नहीं खिलाया गया। उन्होंने टूर्नामेंट में 3 मैचों में 2 अर्धशतक बनाए। वे भारत की ओर से इंटरनेशनल T20 में सबसे ज़्यादा 2282 रन बनाने वाली खिलाड़ी है। हरमनप्रीत ने मिताली को बेंच पर बैठने के अपने फैसले का बचाव किया है। इस दोस्तों अब एक तरफ स्कोरबोर्ड पर नज़र डालते हैं। एंड गाइज मैं कुछ कहना चाहता हूँ यार कि ये मैच है एंड अपनी इंडियंस वुमेन टीम सेमीफाइनल तक पहुंची, ये भी किसी चीज़ से कम नहीं यार। उन्होंने अपना 100% दिया एंड दे डू वेरी वेल यार। उन्होंने बहुत अच्छा किया एंड ये अपने प्राउड की बात है कि अपन सेमीफाइनल में गए और अपन ने बहुत अच्छा प्लेट किया। पर कोई बात नहीं, कभी हार कभी जीत चलती रहती है क्योंकि हर एक ही मैच का नतीजा रहता है ये। सो वी ऑल प्राउड ऑफ यू इंडियन टीम। कोई बात नहीं, अपन नेक्स्ट टाइम और वो करेंगे और नेक्स्ट टाइम पक्का जीतेंगे। फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में इतना ही। होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। और आपके इस वीडियो को लेके क्या कमेंट्स है, क्या थॉट्स है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। और अगर आप चैनल पर न्यू हो और ऐसे ही आप बॉलीवुड से लेके न्यू अपडेट्स और जानकारी चाहते तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट।